सर ये दीवार टाइप है, दीवार इधर जाओ, तुम इधर से देखो, इधर देखो। गोली मार दूंगा ना, चुप। मौलाना साहब, मौलाना साहब, आ रहा हूं, सब्र करो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौलाना साहब जल्दी आइए। सब्र नहीं होता। अरे आ रहा हूं भाई, कह रहा हूं कि मैं आ रहा हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। जल्दी खोलिए मौलाना साहब। अच्छा जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए। मौलाना साहब, हम एक चोर का पीछा कर रहे हैं जो यहाँ मस्जिद के पास ही आके गायब हो गया है। हमें शक है कि वो अंदर ही कहीं छुपा बैठा है। बेटा ये तो अल्लाह का घर है, यहाँ सिर्फ अल्लाह के बंदे आते हैं, चोर का यहाँ क्या काम। चोर तो इंसान के अपने दिल में होता है बेटे। अब देखो मेरे दिल में चोर है, मगर अफसोस इस बात का है कि बाहर वाला उसे पकड़ नहीं सकता। अगर आपकी इजाजत हो तो हम तलाशी ले लें अंदर की। मौलाना साहब मस्जिद की। मैं भला रोकने वाला कौन होता हूँ। आइए तशरीफ लाइए। हाँ भाई। सर यहाँ कोई भी नहीं है। सर वहाँ भी कोई नहीं है। तकलीफ की माजरत चाहता हूँ कारी साहब। नहीं नहीं कोई बात नहीं। आओ। मौलाना साहब आपकी रिहाइश का वो है। जी जी वही। क्या मैं इसे देख सकता हूँ? जी आइए। तुम लोग यहीं रुको। चुप चुप, आवाज नहीं निकालो, आवाज नहीं निकालो। बेटा इस कमरे में मेरी बापरदा बेटी सो रही है। मौलाना साहब आप किसी अंदर के चोर की बात कर रहे थे। हाँ, जो छोटी छोटी बीमारियों पे उकसाता है, आराम खाने की तरगीब देता है, उसकी नहीं माननी चाहिए। अगर उसकी मान लो तो फिर
बड़े बड़े जुल्म सरजद हो जाते हैं इंसान से। उसे पकड़ा कैसे जाए? कमबख्त एक तो सामने नहीं आता, और अगर सामने आ भी जाए तो उसका पहचानना महाल है। सौ सौ रूप धार के आता है, और अगर पहचान लो तो पकड़ना बड़ा मुश्किल है। हाँ, अगर पकड़ा जाए तो फिर उसे मार देना आसान होता है। कौन है? मौलवी तेरा बाप है क्या? पागल मगल हो गया है क्या? बहकी बहकी बातें कर रही है। मौलाना साहब, आपने अभी भी नहीं बताया कि उस चोर को पकड़ा कैसे जाए। दरवाजा खोलो और दबोच लो उसे। दरवाजा? कौन सा दरवाजा? दिल का दरवाजा, रूह का दरवाजा। मगर मौलाना साहब, ये दिल का दरवाजा खुलेगा कैसे? अल्लाह से लो लाओ, सारे दरवाजे खुद ब खुद खुल के चले जाएंगे। मेरे हक में दुआ कीजिए। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मेहरू, मेहरू बेटे, अरे मेहरू, मेहरू बेटे। सो गई। अल्लाह तुझे हर आफत से महफूज रखे। मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला। जा, अच्छी एक्टिंग कर लेती है तू। तुम मुझसे क्या चाहते हो? चोर, एक चोर और क्या चाहेगा? पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अरे तेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन तेरे बाप के पास तो बहुत कुछ है। ये जो जुम्मे के जुम्मे चंदे के नाम पे अपील करता है, और हजारों लोग, बेवकूफ लोग, अपनी जेबें ढीली करते हैं जन्नत के खाते। कहां जाता है वो? तेरे बाप की तिजोरी में। और तू देगी मुझे वो पैसा? चलो उठ उठ, निकाल निकाल पैसा। कमरे में चोर? जी, मैंने उसके सर पे डंडा मार दिया, वो बेहोश हो गया। अच्छा अच्छा, आ तो आ जाओ। अब्बा, जल्दी पुलिस को बुलाएं। अरे खून ज्यादा बह गया है बेटी, तू एक काम कर, रुई और स्पिरिट लेके आ जल्दी से। अब्बा चोर है ये। बेटा,
वक्त जाया ना कर जल्दी लेके आ। अच्छा हुआ तुम्हें होश आ गया, खाना खा लो बेटा। ज्यादा सियाना बनने की कोशिश मत कर बुड्ढे, मुझे पता है, मुझे पता है तूने पुलिस को इत्तला दे दी होगी। बेटे थाना हमारे घर से कोई 3 फरलांग पे है और तुम पिछले 1 घंटे से बेहोश थे, तो इस हिसाब से तो तुम्हें इस वक्त थाने में होना चाहिए था। बेटी कहाँ है तेरी, बता बेटी कहाँ है तेरी? तूने उसे थाने भिजवाया ये इत्तला देने के लिए, मुझे तू यहाँ खाना खाने में लगाएगा और पकड़वाएगा, है ना? मेहरू, मेहरू बेटे अंदर आ जाओ, बेटा अंदर आ जाओ। अल्लाह के बंदे तू खाना तो खा ले। नहीं खाना मुझे, खाना मुझे पैसे चाहिए, 25,000 रुपये और वो भी अभी। पैसे भी ले लेना बेटे, लेकिन पहले खाना तो खा लो। अरे तुम्हारा इतना खून बह चुका है, कुछ ताकत आ जाएगी बेटा तुम में। अबे बुड्ढे तू पागल वागल तो नहीं है? मैंने तुझ पे घन तानी दी है और तू है कि मुझे। बस बेटे बस बेटे, किसी दरवेश की किताब में मैंने पढ़ा था कि घर आए हुए मेहमान को पहले खाना खिलाना चाहिए। खाना समझ गया, तूने इस खाने में जहर मिलाया हुआ है ताकि मैं खाऊं और मर जाऊं। अब ये जहर वाला खाना तू और तेरी बेटी खाएगी। चलो उठाओ निवाला, जाओ शुरू। जल्दी खाओ, इसे भी खिला। ले बेटा खा ले। मरे नहीं तुम लोग। रिस्क से भी कभी कोई मरता है बेटा, आले बेटा। बेटा ये पिस्तौल नीचे रख दो, आराम से खाना खा लो। जब तुम बेहोश थे ना तो ये पिस्तौल मैंने ही जमीन से उठा के तुम्हारे सरहाने रखी थी, रख दो बेटा। जा मेहरू निशा, अल्लाह के बंदे के लिए दूध ले आ। एक मिनट से ज्यादा लगाया ना तूने, तेरे बाप के भेजे में गोली मार दूंगा मैं, समझ गई? चल जा। तू समझ रहा है कि मुझे तू शीशे में उतार लेगा, ये खिला के मुझे शीशे में उतार लेगा? मैं पैसों का तकाजा नहीं करूंगा तुझसे, ये तेरी भूल है। तूने मुझे धोखा दिया ना, गोली मार दूंगा तुझे। सब्र कर, उसी तरह जैसे तुम्हारी पिस्तौल तुम्हारे पास रखी हुई है और मुझे इस बात का यकीन है कि तुम हमें मारोगे नहीं। पुलिस तुम्हें क्यों तलाश कर रही थी? मैं घुसा था चोरी के लिए, पुलिस आ गई, वहां पे भागना पड़ा, पीछा कर रही थी मेरा।
चोरी की थी तूने? नहीं। तो इसका मतलब है कि तू चोर नहीं है? चोरी की नियत से तो गया था ना वहां पे। इर्तकाब तो नहीं किया ना बेटे? देखो तुम नेक इंसान हो और अल्लाह ने तुम्हें चोरी का मौका ही नहीं दिया, वो तुम्हें बचाना चाहता है। मेरा दिल मोम करने की कोशिश नहीं कर, पैसे निकाल, पैसे। सब्र कर। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 25,000 अभी। पचास हजार है मियाँ। 50,000? तो बुड्ढे कौन सा जाल फेंक रहा है तू? जाने तुम्हारी क्या जरूरत है बेटा। और कितने पैसे हैं तेरे पास? मेरे तो सिर्फ यही है, और जो कुछ अलमारी में रखा हुआ है ना बाकी, वो सब मेरी बेटी की शादी के लिए। और जो चंदे के नाम पे लोगों को लूटता है वो पैसे कहाँ है? निकाल। मैंने अपनी जिंदगी में एक लकमा भी हराम नहीं खाया कभी। और ये पैसे भी अब्बा जान ने तमाम उम्र मेहनत से उम्रे के लिए जोड़े थे, जो तुम्हें दे दिए। क्या? बेटा तुमने मेरी सारी मेहनत अकारत कर दी, बेपर्दा कर दिया मेरे जज्बे को। मुझे माफ कर दे अब्बा जान, पर ये जाहिल शकी हैवान क्या जाने प्यार मोहब्बत और कुर्बानी की बात। आपने अपनी ख्वाहिश मेरी सूरत पे कुर्बान कर दी। आप तो ये भी नहीं जानते कि मेरी जरूरत क्या है। जब जब मैंने अल्लाह से माली कुशादगी मांगी तो उसने कभी भी मेरी जरूरत नहीं पूछी, तो मैं तुमसे क्यों पूछूं तुम्हारी जरूरत? आप अजीम है। मैं ये पैसे नहीं लूंगा। बेशक मेरी मां कैंसर की मरीज है और उसे पैसों की जरूरत है, लेकिन मैं ये पैसे नहीं लूंगा। मुझे नहीं चाहिए ये पैसे। नहीं बेटा, ये मैंने पैसे अपनी खुशी से दिए तुम्हें। तुम अपनी जरूरत पूरी करो, अपनी मां का इलाज कराओ। और रही मेरी जरूरत, तो मेरी जरूरत तो वो पूरी करेगा। मुझे माफ कर दे मौलवी साहब, मुझे माफ कर दे। एक बार कह दे कि आपने मुझे माफ कर दिया। एक बार के? नहीं नहीं, देखो बेटे, गलती करना इंसान की फितरत है और माफ करना अल्लाह की सिफत। मैंने तुम्हें मुजरिम समझा ही नहीं तो माफी कैसे? अल्लाह मुझे माफ कर, अल्लाह मुझे माफ कर। चलो
जानते हो बेटा, बंदे की आंख से बहने वाला नदामत का एक आंसू अल्लाह की बारगाह में क्या मुकाम रखता है। वो तुमसे राजी है बेटा, वो तुमसे राजी है। चलो आराम करो, खाना खाओ और फजर के बाद अपने घर जाना, ठीक है? मौलवी साहब, मौलवी साहब। अरे बेटा, तुम मेरी औलाद, चलो मेर। आ जाओ बेटा। अब्बा, अब्बा ये देखें, वो चोर सब कुछ लूट के ले गया। उस चोर ने आपकी नेकी का सिला क्या दिया, मेरे जहेज के पैसे जेवर सब लूट के ले गया। आपको बहुत शौक है ना लोगों को राह रास्त पे लाने का, देख लिया आपके एहसान का बदला आपने। तो बेखबर है मेहरुन्निसा, मालिक तेरा शुक्र है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नेकी का सिला सिर्फ नेकी होता है। देख मेहरुन्निसा, मैंने कभी हराम नहीं खाया और मुझे इस बात का पुख्ता यकीन है कि हलाल कभी हराम के रास्ते नहीं जाता। देख मेरे बच्चे, अल्लाह बड़ा मुसब्बिबुल अज़बाब है। बेटे कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा, मुझे अपने अल्लाह पे बड़ा यकीन है। तू फिक्र ना कर मेरे बच्चे, तू फिक्र ना कर। इस कहानी का एक अंजाम अभी आपने देखा। अगर इस आयत खुदावंदी पर अमल किया जाता तो इस कहानी का अंजाम कुछ यूं भी हो सकता था। मैंने कहा था ना मौलाना साहब कि चोर मस्जिद में ही कहीं छुपा बैठा। ये लीजिए, ये जेवरात और 50,000 रुपए जो उसने आपके घर से चोरी किए थे। ये आपको कहां से मिले इंस्पेक्टर साहब? वो यहां से निकलकर भाग रहा था कि मैंने उसे दबोच लिया। दौरान तफ्तीश उसने बताया कि ये चीजें उसने आपके घर से चोरी की थी। नहीं, ये मेरे नहीं है। आपके नहीं है? नहीं, ये आप उसे वापस कर दीजिए। जो चीज मेरी थी मैंने आने रख दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आया